उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों को कराने वाले एक नये आयोग नए आयोग आयो को अब तक हम केवल अखबारों में अब तक केवल हम नाम मात्र से ही सुनते थे वो आयोग अब गठित तो हुआ ही है उसके बारह सदस्यों को लेकर के जो अब तक अटकलें थी उन अटकलों को भी विराम मिला है और माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश के द्वारा बारह सदस्यों को नियुक्ति प्रदान की गई है जो बारह सदस्य मिलकर के अब हमारी जो पुरानी भर्तियां हैं या फिर जो नई भर्तियां निकलनी है उनके लिए पूरा का पूरा खाका तैयार करेंगे और पहुंचाएंगे हम परीक्षार्थियों तक अपने लक्ष्य की ओर चलिए मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं चौदह मार्च वो दिन है जिस दिन माननीय राज्यपाल के द्वारा जो है वो नियुक्ति प्रदान की गई है इन बारह सदस्यों को बारह के बारह सदस्यों के लिए अलग अलग अधिसूचना जारी करके उनका नाम कौन कहाँ से है तो उन सारे सदस्यों की जानकारी दी है तो ये पीडीएफ आप लोगों तक हम लोग पहुंचा भी देंगे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है वहां से आप लोग पी ले सकते हैं ये वाली लेकिन इस आयोग ने बनते ही क्या काम किया वो महत्वपूर्ण है देखो अभी आयोग के द्वारा जो है आयोग के सामने सबसे पहले तो दो वैकेंसी हैं जो 2022 में टीजीटी पीजीटी के लिए चार पद को लेकर के वैकेंसी निकली थी एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी निकली थी दो भर्तियां पहले हैं जो कि पहले एडवर्टाइज हो चुकी हैं उन पर सीधी केवल परीक्षा लेनी है दूसरी बात नई भर्तियों को लेकर के जो अधियाचन भेजे गए हैं उन पर भी नई वैकेंसी निकालने का चैलेंज भी है तो आयोग ने बनते ही जो है हालांकि अभी आयोग को अध्यक्ष जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष के लिए रिक्रूटमेंट के लिए नया प्रोसेस शुरू किया गया है और उसके लिए अगले 25 दिन के अंदर अंदर जो है वो नाम मांगे गए हैं आवेदन मांगे गए हैं फिर उस पर अगली कार्यवाही होगी पर अध्यक्ष जब तक बने अध्यक्ष के बनने से तो बहुत ज़्यादा अभी कार्यवाही पर अंतर इतना नहीं है ये बारह लोग अपना अपना काम पूरा कर लेंगे और कार्यवाही के रूप में जो प्रमुख सचिव हैं उच्च शिक्षा के एम अग्रवाल उन्होंने कल चौदह तारीख को इन सदस्यों को नामित किया गया पंद्रह तारीख को इन लोगों ने जो है कार्यभार ग्रहण किया और एम अग्रवाल जी जो हैं इन्होंने सभी सदस्यों के साथ बैठक की और जो भर्तियां लंबित भर्तियां हैं चार हजार एक सौ तिरसठ की टीजीटी पी जी टी की एक हजार सत्रह की असिस्टेंट प्रोफेसर की इन भर्तियों को इन भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो है एग्जाम कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है मैंने थंबनेल पर भी लिखवाया है क्या एग्जाम तिथियां क्या परीक्षा की तिथियां घोषित हो गई है विद्यार्थियों आप कमेंट भले ही कुछ भी कर लीजिएगा लेकिन मैं आप लोगों को ये बात विश्वास से कहता हूँ परीक्षा की तिथि घोषित मान करके चलिए जो आप लोगों ने आज आचार संहिता भी देख ली आचार संहिता लागू हो गई है परीक्षा की अ, 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 चुनाव की तिथियां घोषित कर दी गई हैं रिजल्ट की तिथि घोषित हो गई है तो जून जून में जो है जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे जो नई लोकसभा गठित होगी वो सब कार्यवाही हो जाएगी और उसके तुरंत बाद आप लोगों को ये परीक्षा रात जून में ही परीक्षा तिथियां घोषित हो जाएंगी इसका मतलब ये है कि जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त में आप लोगों को यूपी में टीजीटी पीजीटी की और असिस्टेंट प्रोफेसर की ये जो वैकेंसी है इसके लिए परीक्षा आप लोगों को निश्चित है कि इस पर इस, इ, इ, इन दो महीनों में परीक्षा होनी ही होनी है और ये भी संभावना है कि जो नई वैकेंसी है उसको लेकर के भी आप लोगों को जून जुलाई में कोई नई वैकेंसी की घोषणा हो जाए और उसके अगले तीन चार महीनों के अंदर अंदर जो है फिर कोई परीक्षा हो जाए क्योंकि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होने हैं डेढ़ दो साल बाद तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अपनी तैयारी कीजिएगा और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो एक डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म लगवा रहा हूँ उसको भर दीजिएगा अपना विषय बताइएगा टी जी या फिर हायर एजुकेशन जिस भी विषय की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे पूरे विश्वास के साथ और सिलेक्शन वाली तैयारी जैसे कि हमारा वादा भी है और इस दावा भी है कि हम लोग तैयारी कराते हैं सिलेक्शन वाली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार मुझ तक जरूर भेजिएगा नमस्ते